हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी इनर सिंह यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वनकम। आज इस स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। काफी बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे कि सर जेएनसी का कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स लेना है, डेमो क्लास ये वो, तो कोशिश की कि आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जेएनसी कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में किस तरीके से क्लास कंडक्ट की जाती है, उस तरीके से कंप्लीट डिटेल थ्योरी क्लास आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक आज अपना रहेगा बेड शोर, और बेड शोर पे बनने वाले हर एमसीक्यू भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक फिनिश होने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं रहेगी, ये मेरा वादा आपसे। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप 100% उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। महेश सारन, गिरिराज, बसंती, शेरी पटेल, अभिनव, प्रीति प्रजापत, लाखन अहिरवार, स्वाति, ताली भाटी, अभिनव, राकेश मीना, मोहम्मद रशीद, सहनवाज, सहबाज, आर के सैनी, यस, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपके डिमांड का जो कोर्स है, आजकल सुबह से शाम तक जेएनसी में कंसिस्टेंट जिस कोर्स की इंक्वायरी ली जाती है, दैट इज अ कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स, जो ईएसआईसे के लिए नॉर्सेट 2021, इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इंडिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो बीएससी, चाहे वो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस हो, चाहे पीबीबीएससी एंट्रेंस हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, वन कोर्स फॉर ऑल एग्जाम विल बी प्रिपेयर बाय द टीम जेआईएनसी। अगेन आपका कोर्स जो है एज यूजुअल उसकी प्राइस 5999 है। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाकर आपको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद बाय नाउ पे करके क्लिक करिएगा और ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो। कोर्स परचेज करने के बाद लॉग आउट एंड लॉग इन करके आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीट नर्सिंग रिसर्च एडमिन एजुकेशन फार्मा माइक्रो के साथ साथ रीजनिंग मैथ्स भी दिया है, इमरजेंसी नर्सिंग इमेज वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी पुट किए हुए हैं, प्रीवियस 5 साल के पेपर भी पुट किए जा रहे हैं और हर यूनिट के बाद टेस्ट भी है। इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। आज की जर्नी जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले बहुत ही स्पेशल थॉट है आज के लिए, जो आप डेली फील करते हैं, जहां विश्वास है वही शक्ति है, जहां विश्वास है वही शक्ति है, वही जीत है और वही आपके सपने पूरे होते हैं। ये आपका जेआईएनसी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जहां विश्वास है वही शक्ति है, जहां विश्वास है वही शक्ति है, वही जीत है और वही आपके सपने पूरे होते हैं। उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम जेआईएनसी जोधपुर है। आपका भरोसा, भरोसे का प्रतीक, ट्रस्ट का प्रतीक आपका अपना जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। आज जो आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आज की क्लास का स्पेशल टॉपिक होगा, दैट इज अ बेड शोर, और बेड शोर में हम लोग कंप्लीट थ्योरी क्लास यहां पर कंडक्ट करेंगे, जहां इस टॉपिक में एमसीक्यू बनेंगे। मैं साथ साथ में आपको डिस्कस करता रहूंगा कि किस फॉर्म में कहां क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद आप जाकर किसी भी बुक में क्वेश्चन को देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके फाइन, पहले हम बेसिक एनाटॉमी देखेंगे स्किन का, देन बेड शोर को स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए इतना ईजी हो जाए कि आप कभी जिंदगी में दोबारा फॉरगेट ना कर पाए। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी सिंपली, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि स्किन के बारे में, वहां पर मैंने आपको एपिडर्मिस पढ़ाया था, मैं यहां पर आपको एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तीनों लेयर के बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि जब हम स्टेजेस ऑफ बेड शोर पढ़ेंगे तो क्लियरली फाइंड आउट कर पाएंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड शोर में कहां तक
स्किन डैमेज होता है, सेकंड स्टेज में कहां तक होगा, थर्ड स्टेज में कहां तक होगा, बोन विजिबल कहां पर होगी, इस तरीके से हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हमने पढ़ा था कि स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है और स्किन को हम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। दैट एवरीबॉडी नो वेरी वेल, स्किन जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ, स्किन जो बच्चों मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर। यू कैन सी एपिडर्मिस, हम एपिडर्मिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस के बाद कौन पढ़ेंगे बच्चों? डर्मिस, और डर्मिस के बाद में हम पढ़ेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस याद रखिएगा, हाइपोडर्मिस को हम सबकुटेनियस टिश्यू बोल सकते हैं, हम सबकुटेनियस टिश्यू के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और इसके बाद फर्दर जब हम एंटर करेंगे तो बच्चों मसल्स आएगा, क्या आएगा? मसल्स आएगा, देन मसल्स के बाद में जाएंगे तो बोन मिलेगा। कौन मिलेगा? बोन मिलेगा। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग जब पर्टिकुलर बेड सोर के बारे में पढ़ेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। एपिडर्मिस आउटर लेयर है, उसके बाद डर्मिस है, डर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है। याद रखिएगा एपिडर्मिस फाइव लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फाइव लेयर, डर्मिस जो है टू लेयर से मिलकर बनी होती है, और उसके बाद जो है हाइपोडर्मिस है। बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यू मैं आपको साथ में बताता हूं, आगे चलूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ऑलरेडी वी आर डिस्कस स्किन कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, एपिडर्मिस लास्ट क्लास में मैंने बताया था बच्चों एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है, और सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, तो आपको आंसर क्या पुट करना है? फाइव लेयर्स। क्या आंसर पुट करना बच्चों? फाइव लेयर्स। ओके फाइन, ओके फाइन, हियर यू कैन सी। उसके बाद सबसे पहले मैंने पुट किया बच्चों स्टार्टम कॉर्नम, स्टार्टम कॉर्नम। यू कैन सी, देखिए बच्चों स्किन जो है एपिडर्मिस और डर्मिस दो मेन लेयर होती है, और थर्ड वाला जो है हाइपोडर्मिस जिसको हम सपोर्टिव लेयर बोलते हैं। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेंगे कि स्किन कंसिस्ट ऑफ, तो आपको आंसर टू पुट करना है। यदि दो ऑप्शन नहीं है तो आप थर्ड सपोर्टिव लेयर को ले सकते हैं जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये क्वेश्चन दोनों फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। ओके फाइन, ओके फाइन, स्टार्टम कॉर्नम जो है एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको मैंने आपको बताया था, इसको एक्चुअल प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं, और दूसरा इसको सुपरफिशियल लेयर, इसको सुपरफिशियल लेयर के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड थिंग स्टार्टम लूसिडा, मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट होती है बच्चों थिकेस्ट पोर्शन सॉल और फीट में। स्टार्टम ग्रैनुलोसम तीन और चार फ्लैटेंड लेयर की बनी होती है। स्टार्टम स्पिनोसम मैंने आपको बताया था सेवरल सेल की बनी होती है, और बेसल लेयर यहां पर इंपॉर्टेंट है जिसको हम स्टार्टम बेसल भी बोल सकते हैं, स्टार्टम जर्मिनेटिवम भी बोल सकते हैं। दिस इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की सबसे अंदर वाली लेयर, दैट वी कैन से स्टार्टम, वी कैन से बेसल, और अदर वर्ड में वी कैन से स्टार्टम जर्मिनेटिव। तो दिस इज द फाइव लेयर। यहां मैंने आपको कहा था कि पहला क्वेश्चन बनेगा एक्चुअल प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस का कौन होता था, स्टार्टम कॉर्नम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस कौन होता है, तो आपको आंसर लिखना है स्टार्टम बेसल, स्टार्टम जर्मिनेटिव। गेट इट एवरीवन, ऑलरेडी हमने ये कल की क्लास में पढ़ा था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज यह इंपॉर्टेंट है स्किन का सेकेंड लेयर, स्किन का सेकेंड लेयर जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, जस्ट एपिडर्मिस के बिलो लोकेटेड होता है। ये आपका एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन डर्मिस। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि डर्मिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, और यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। डर्मिस में दोनों लेयर में पहला है स्टार्टम पैपिलोरिज्म, स्टार्टम पैपिलोरिज्म याद रखिएगा, स्टार्टम पैपिलोरिज्म वो लेयर है जो किसके साथ कनेक्ट होता है बच्चों? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की पांचवी नंबर की लेयर स्टार्टम जर्मिनेटिव, डर्मिस की फर्स्ट नंबर की लेयर स्टार्टम पैपिलोरिज्म, दोनों जब मिलेगी तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लेयर आपस में कनेक्ट होगी, दोनों लेयर आपस में कनेक्ट होगी। देन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टार्टम रेटिकुलरिज्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। क्वेश्चन क्या पूछेंगे बच्चों कि नर्व एंडिंग स्किन की कौन सी लेयर होती, तो आपको आंसर लिखना है स्टार्टम रेटिकुलरिज्म। ये किसका पार्ट है? ये डर्मिस का पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ब्लड वेसल्स कहां लोकेटेड होती है, ऑयल ग्लैंड कहां लोकेटेड होती है, स्वेट ग्लैंड कहां लोकेटेड होती है, देन कॉलेजन कहां लोकेटेड होता है। दैट मींस जितने भी ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई, स्वेट, इवन सुडोरोफ्यूरस ग्लैंड्स,
ये डर्मिस की कौन सी लेयर में होता है बच्चों? स्टार्टम रेटिकुलरिज्म. दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्किन की कौन सी लेयर में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, स्किन की कौन सी लेयर में नर्व सप्लाई पाई जाती है. इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा. आई होप यू विल नेवर फॉरगेट. तो ये स्किन की मेन टू लेयर्स हो गई. दो लेयर हमने स्किन का पढ़ा, एपिडर्मिस और डर्मिस. थर्ड जो सपोर्टिव लेयर है जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं. ये जस्ट बिलो द डर्मिस होता है. अब हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, बेड सोर को हम डैक्यूबाइटिस अल्सर बोलते हैं. डैक्यूबाइटिस अल्सर को भी हम प्रेशर सोर बोलते हैं, और प्रेशर सोर को हम बच्चों प्रेशर अल्सर बोलते हैं. एक ही डिजीज के तीन और नाम, बेड सोर, डैक्यूबाइटिस अल्सर, प्रेशर सोर और प्रेशर अल्सर. अलग अलग नाम से प्रोनाउंस किया जा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में. आपको चारों नाम पता होना चाहिए. हमने अभी यहां पर पढ़ा कि योर स्किन कंसिस्ट ऑफ मेनली टू लेयर. थर्ड जो था वो सपोर्टिव लेयर, तो वी कैन थ्री. मेनली कौन सी, कितनी लेयर होती है? दो लेयर होती है. थर्ड सपोर्टिव लेयर है. अब जैसे ही किसी पेशेंट को हम बेड सोर की बात करेंगे, तो ध्यान रखना, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको आंसर क्या पुट करें, व्हाट डू यू मीन बाय बेड सोर? एनी इंजरी टू द स्किन एंड टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर और फ्रिक्शन. मतलब आपकी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर प्रोमिनेंट पार्ट पे लगातार प्रेशर की वजह से या लगातार फ्रिक्शन की वजह से स्किन डैमेज हो जाती है, चाहे वो एपिडर्मिस हो, चाहे वो डर्मिस हो, इवन हाइपोडर्मिस, इवन मसल और टिल बोन. दैट कंडीशन वी कैन से बेड सोर. फिर से बता रहा हूं, इंजरी टू द स्किन. स्किन की वो इंजरी जो प्रेशर और फ्रिक्शन के वजह से हुई. मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा आगे कि किस तरीके से इंजरी बेड सोर में कन्वर्ट होता है, बट यहां सिर्फ सिंपल वे में याद रखना है, प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से जो इंजरी हुआ है, दैट इंजरी वी कैन से बेड सोर. गेट इट एवरीवन? ओके फाइन. विल मूव फर्दर. अब क्या आता है कि विचार द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज बेड सोर. यहां पर फैक्टर भी होंगे, कॉजेस भी होंगे. देखिए, कॉजेस की जब भी हम बात करेंगे तो एग्जैक्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज. और यदि हम बात करें बच्चों, एक टर्म होता है रिस्क फैक्टर, एक टर्म से हम पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर. कभी कभी इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. रिस्क फैक्टर, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब होगा है इट मे बी या इट माइट बी. मतलब वो कॉज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं. मैं आपको बेड सोर के कॉजेस भी बताऊंगा, मैं आपको बेड सोर के रिस्क फैक्टर भी बताऊंगा. पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बेड सोर के कॉज क्या है, उसके बाद हम रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे. अब यह पहला क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो भी आपको ध्यान रखना. मैंने पुट किया बच्चों प्रेशर और ये प्राइमरी कॉज है, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, मैं प्रेशर बताऊंगा, फ्रिक्शन बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, बट प्राइमरी कॉज की बात करें तो प्रेशर क्या करता है बच्चों? प्रेशर उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की ब्लड सप्लाई को रोक लेता है, और जब ब्लड सप्लाई रुकेगी तो डेफिनेटली सेल और टिश्यूज को नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? बेड सोर. कारण क्या था? लगातार एक पॉइंट पे प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से सेल और टिश्यू डैमेज हुआ, और सेल और टिश्यू डैमेज होने की वजह से जो हुंड डेवलप हुआ, दैट वी कैन से बेड सोर. ओके फाइन. दूसरा यहां पर पूछेंगे बच्चों मॉइस्चर. देखिए, मॉइस्चर में मैं पुट कर देता हूं कंटिन्यू. मॉइस्चर जो है, यदि वो कंटिन्यू मॉइस्चर है, नमी लगातार, यदि किसी पेशेंट का बॉडी पार्ट है और यहां पर लगातार मॉइस्चर बना हुआ है, तो स्किन की एपिडर्मिस क्या होगी? डैमेज होगी. एपिडर्मिस डैमेज होगी. जब एपिडर्मिस डैमेज होगी तो कौन कॉन्टेक्ट में आएगा? डर्मिस आएगा. और डर्मिस में कौन प्रेजेंट है बच्चों? ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ग्लैंड्स. डर्मिस डैमेज होगा तो फर्दर डैमेज होती रहेगी. दैट सिंपल वे वी कैन से मॉइस्चर. उसके अलावा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वी कैन से टिश्यू डैमेज. देखिए, ये आपका बॉडी का स्किन है, और बार बार बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट पे क्या हो रहा है बच्चों? फ्रिक्शन हो रहा है. फ्रिक्शन कैन कॉज रिमूवल ऑफ स्किन.
आपकी बॉडी पे कहीं पर भी घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो कंसिस्टेंट जब फ्रिक्शन होगा तो वहां पर ऊपर की स्किन क्या होगी, हट जाएगी। और एपिडर्मिस जाने के बाद किसका नंबर लगता है, डर्मिस का नंबर लगता है। तो फ्रिक्शन वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज बैड सोर। देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नेक्स्ट मैंने टर्म पुट किया है शेहर, एबनॉर्मल पुलिंग ऑफ द स्किन, मतलब आपकी बॉडी का वो स्किन जो एबनॉर्मली पुल आउट हो रहा है, पुल आउट होने की वजह से ब्लड सप्लाई अल्टर्ड होगा और सेल और टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होंगे। तो ये वो मेन कॉज है, ये वो मेन कॉज है जिसकी वजह से पेशेंट की सेल और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पर्पस से कौन है बच्चों, प्रेशर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर, विच इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज बैड सोर। तो आपको आंसर क्या पुट करना बच्चों, प्रेशर। बट इन फैक्टर के अलावा, इन फैक्टर के अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्या कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, हियर यू कैन सी, मैंने पुट किया बच्चों रिस्क फैक्टर। देखिए रिस्क फैक्टर का मीनिंग बताया था, इट मे बी और माइट बी कैन कॉज, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले मैंने पुट किया बच्चों इंपेयर्ड सर्कुलेशन। डेफिनेटली ये आपकी बॉडी का स्किन है, यहां पर ये ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई दे रहे हैं, जिससे क्या होता है यहां के सेल और टिश्यूज अच्छे से काम कर रहे हैं। जब ये ब्लड सप्लाई अल्टर्ड हो रहा है, जब ब्लड सप्लाई अल्टर्ड होगा तो डेफिनेटली स्किन के इस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, तो सेल और टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होंगे, और डैमेज होगा क्या कॉज करेगा, हुंड कॉज होगा, दैट इज अ बैड सोर, दैट इज अ बैड सोर। ओके फाइन। इसके अलावा यदि हम फर्दर देखें एडिमा, और एडिमा में बच्चों मैं पुट कर देता हूं पिटिंग एडिमा, एडिमा में भी पुट कर देता हूं पिटिंग एडिमा। एडिमा का एग्जैक्टली मीनिंग आता है फ्लूड एक्यूमुलेशन बिटवीन इंटरस्टीशियल स्पेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडिमा। दो टिश्यूज के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरस्टीशियल, बिटवीन टिश्यू। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दो टिश्यूज के बीच के स्पेस को कौन सा स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेस बोलते हैं, और जब इंटरस्टीशियल स्पेस में एक्सेसिव फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है उस कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उस कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं। गेट इट एवरीवन। तो एडिमा ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज डैमेज ऑफ द स्किन। डायबिटीज मेलाइटस, देखिए डायबिटीज मेलाइटस में दो चीजें क्लियर कर देता हूं, इसका क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, देखिए क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन जो है डायबिटीज मेलाइटस का क्या होता है, डैमेज ऑफ ब्लड कैपिलरीज। देखिए बच्चों डैमेज ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड जो कैपिलरीज है वो क्या हो जाएगा, डैमेज होगा, और जब ब्लड कैपिलरीज डैमेज होगा तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगा, और जब डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगा तो सेल और टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होंगे। सेल और टिश्यूज क्या होंगे बच्चों, डैमेज होंगे, डैमेज सेल और वी कैन से टिश्यू, दिस इज द डायबिटीज मेलाइटिस। आपने सुना होगा रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये डायबिटीज मेलाइटिस के क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है। लगातार जब आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली सेल और टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होंगे। तो डायबिटीज मेलाइटिस में बच्चों याद रखना क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन जो होता है दैट रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज बैड सोर। कैसे, ब्लड कैपिलरीज डैमेज होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, और सेल और टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होंगे। बहुत ही शानदार अनुजा, बहुत बढ़िया बेटा। ओके फाइन। इसके अलावा पैरालिसिस, देखिए पैरालिसिस जो है, पैरालिसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन। पैरालिसिस का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट फंक्शन। फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी पार्ट में पैरालिसिस होने से उस बॉडी पार्ट के मूवमेंट रुकेंगे, जब मूवमेंट नहीं होगा तो ब्लड फ्लो अल्टर्ड होगा, जब ब्लड फ्लो अल्टर्ड होगा तो सेल और टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होंगे, और सेल और टिश्यूज डैमेज होंगे तो कंडीशन क्या कॉज हो जाएगी, बैड सोर। क्या कंडीशन कॉज हो जाएगी, बैड सोर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। पैरालिसिस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन डैमेज एपिडर्मिस देन डर्मिस। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट मैंने पूछा अनहाइजीनिक कंडीशन, इवन बच्चों इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मतलब नॉट मूव, सिंपल भाषा में नॉट मूव मतलब आपकी बॉडी का वो पार्ट जो मूवमेंट नहीं कर रहा हो और लगातार एक ही जगह फिक्स है, तो उसके प्रोमिनेंट पार्ट पे प्रेशर पुट होगा, दैट प्रेशर कैन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द सेल और टिश्यू, रिजल्टिंग बैड सोर, रिजल्टिंग बैड सोर।
तो वन ऑफ द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज बैड सोल. देन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कोमा. देखिए कोमा से पहले मैं दो चीजें आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोमा और अनकॉन्सियसनेस. देखिए हमें कंडीशन पछते पड़ता हूं, अनकॉन्सियसनेस एक हम पढ़ते हैं बच्चों, कोमा, इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है. अनकॉन्सियसनेस और कोमा में क्या फर्क है, यू कैन सी एवरीबडी, यू कैन सी अनकॉन्सियसनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड इन विच पेशेंट इज अनेबल टू गिव रिस्पॉन्स, अनेबल टू गिव रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टीमुलाई. ध्यान से देखना बच्चों, मैं बात कर रहा हूं अनकॉन्सियसनेस की, मैं यहां पर बात कर रहा हूं अनकॉन्सियसनेस की. अनकॉन्सियसनेस का मतलब है ये किसकी कंडीशन है बच्चों, माइंड की कंडीशन. स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, ये माइंड की वो कंडीशन है जब पेशेंट किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों, अनकॉन्सियसनेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अनकॉन्सियसनेस बोलते हैं. याद रखिएगा अनकॉन्सियसनेस होगा इट विल प्रेजेंट फॉर फ्यू सेकेंड्स. ध्यान से देखने बच्चों, फ्यू मिनट्स फ्यू आवर्स. मतलब यदि पेशेंट जो है कुछ सेकेंड कुछ मिनट कुछ आवर्स तक किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अनकॉन्सियसनेस. क्या कहेंगे बच्चों, अनकॉन्सियसनेस. और ये अनकॉन्सियसनेस किसकी कंडीशन है, माइंड की कंडीशन है. और यदि आपने अनकॉन्सियसनेस को ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट किसमें चला जाएगा, कोमा में. पेशेंट किसमें चला जाएगा, कोमा में. दोनों का डिफरेंस जानना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है. हियर यू कैन सी कोमा का मतलब होता है स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस इन विच पेशेंट इज अनअवेयर अबाउट हिम और हर सेल्फ विथ एनवायरमेंट. देखिए माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कॉमा किसकी कंडीशन है बच्चों, अनकॉन्सियसनेस की कंडीशन. कॉमा का मतलब है द स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस इन विच पेशेंट इज अनेबल टू अनअवेयर अबाउट हिज और हर सेल्फ एंड एनवायरमेंट. मतलब पेशेंट और एनवायरमेंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, इस कंडीशन को कोमा कहते हैं. और याद रखना बच्चों दैट प्रेजेंट फॉर डेज वीक मंथ इवन ईयर. तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर लगा होगा कि कुछ दिन कुछ महीने कुछ सप्ताह कुछ ईयर्स जो कंडीशन होता है वो कोमा कहलाता है, और विदिन 24 जो कंडीशन होता है वो अनकॉन्सियसनेस कहलाता है. तो कोमा वाला जो पेशेंट होगा वो अनकॉन्सियस का कॉम्प्लिकेशन होगा, और वो कंडीशन जो पेशेंट खुद का और एनवायरमेंट का कोई कनेक्शन नहीं होगा, दैट कोमा आल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज बेड सोर. क्या कॉज करेगा बच्चों, बेड सोर कॉज करेगा. देन इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन. देखिए इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, याद रखना बच्चों, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर थ्रू यूरेथ्रा कैन कॉज अनहाइजीनिक कंडीशन. That is the meaning of incontinence of urine. Incontinence का मतलब होता है involuntary का मतलब अपने आप, involuntary loss of urine from the urinary bladder to the urethra is called incontinence of urine. Get it? जब drop urine लगातार
जब ड्रॉप ड्रॉप यूरिन लगातार पुट होता रहेगा तो पेशेंट का वो पार्ट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? और वेट हो जाएगा, और वेट की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से क्या होगा बच्चों, पेशेंट को बैड सोर डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? बैड सोर डेवलप हो जाएगा। मतलब कंडीशन क्या होगा, लगातार ड्रॉप ड्रॉप यूरिन पेशेंट पास कर रहा है जिससे वो एरिया वेट होगा, वेट की वजह से फ्रिक्शन डेवलप होगा, और फ्रिक्शन की वजह से इवन फ्रिक्शन भी होगा साथ में मॉइस्चर भी होगा बच्चों, मॉइस्चर भी होगा, जिसकी वजह से पेशेंट की स्किन डैमेज होगा। और जब स्किन डैमेज होगा दैट कंडीशन वी कैन से बैड सोर, व्हाट वी कैन से बैड सोर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर। अब बात आती कि ये बैड सोर कैसे डेवलप होता, व्हाट विल हैपनिंग, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। मैंने बहुत सारे कॉजेस और फैक्टर आपके साथ यहां पर डिस्क्राइब किया, डिस्कस किए, बट एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म क्या कहता है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, व्हेन द पेशेंट लाइंग डाउन इन अ सेम पोजिशन, मतलब पेशेंट एक ही पोजिशन में प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक लेटा रहे, एक ही पोजिशन में प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक लेटा रहे, प्रोलॉन्ग का मतलब लॉन्ग पीरियड तक लगातार, चाहे वो सुपाइन हो सकता है, लेटरल हो सकता है, प्रोन पोजीशन हो सकता है, किसी भी एक ही पोजीशन में पेशेंट कंसिस्टेंट लेटा रहेगा, दैट कैन कॉज इंक्रीज प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस। बोनी प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका बॉडी का वो पार्ट जहां बोन जो है प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है उठा हुआ, प्रोमिनेंट का मतलब होता है उठा हुआ, जहां बॉडी का वो बोन जहां प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा है वहां पर जब प्रेशर पुट होगा, वहां पर जब प्रेशर पुट होगा तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो वहां की सेल और टिश्यूज क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और जब सेल और टिश्यूज की डेथ हो जाएगी तो कंडीशन डेवलप होगा, उसको क्या कहेंगे? डेक्यूबाइटिस अल्सर। क्या कहेंगे? डेक्यूबाइटिस अल्सर। बहुत इजी वे में मैं आपको बताना चाहूं, एक ही पोजिशन में लॉन्ग पीरियड तक पुट करने से या लेटे रहने से प्रेशर पुट होगा, प्रेशर की वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, ब्लड सप्लाई जब डिक्रीज होगा दैट कैन कॉज डिक्रीज O2 सप्लाई, रिजल्टिंग डेथ ऑफ सेल और टिश्यू, दैट कंडीशन वी कैन से बैड सोर, व्हाट वी कैन से बैड सोर। तो ये इस वे से बैड सोर डेवलप होगा। हमेशा याद रखना बच्चों, बैड सोर जो है वो कंटामिनेटेड हुंड होता है, बैड सोर जो है वो कंटामिनेटेड हुंड होगा। आई होप getting understand every future nursing officer, this is the way how to teach in JINC complete nursing officer coaching by every faculty member by the team JINC. ek ek wo point, ek ek wo word aane wale competitive exam mein jo pucha jata hai wo aapke sath discuss kiya jata hai, ek ek wo rational, ek ek wo mechanism, ताकि एक बार पढ़ने के बाद जब आप सेल्फ नोट्स बनाओगे, मुझे पूरा भरोसा है उसके बाद दोबारा सीधा पेपर में आंसर लिखने में मदद मिलेगी, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यही कोशिश टीम JINC की होती है, यही कोशिश टीम JINC की होती है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। पैथोफिजियोलॉजी के बाद आती है बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज से, कि पर्टिकुलर क्वेश्चन बनेंगे, या तो कभी साइट का नाम लिखा होगा, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग बॉडी साइट्स में अलग अलग बॉडी के प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं, जहां पर प्रेशर पड़ने से उस पार्ट का सेल और टिश्यूज में नेक्रोसिस हो जाता है, सेल और टिश्यूज में नेक्रोसिस हो जाता है। जैसे मैंने यहां पर पुट किया है, साइट ऑफ बेड सोर में सबसे पहले हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन। याद रखना, कॉमनली क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछेंगे जहां पोजिशन का नाम नहीं लिखा हो तो आपको कंसिडर करना सुपाइन पोजिशन। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब पोजिशन का नाम नहीं लिखा हो तो आपको कंसिडर करना सुपाइन पोजिशन। दूसरी बात, अब सुपाइन पोजीशन में क्वेश्चन क्या बनेगा? जब आप सीधे लेटते हो तो आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट है जिसको हम प्रोमिनेंट पार्ट कहते हैं, मतलब वो कौन सा हिस्सा है जहां पर प्रेशर पुट होगा, जहां पर प्रेशर पुट होगा। हियर यू कैन सी, यहां देखिए, दिस इज द ऑक्सीपिटल एरिया। देन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज द स्केपुला, that is the sacrum, और this is your competitive exam MCQ, most common site of bed sore, जो कम से कम 10 times क्वेश्चन competitive exam में पूछा जा चुका है,
कम से कम 10 टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, विच इज द मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप बैड सोर। मैंने देखिए यहां पर पुट किया ऑक्सीपिटल, उसके बाद स्केपुला, उसके बाद सैक्रम, और ये सैक्रम आपके बॉडी का वो पॉइंट है जहां कॉमनली बैड सोर डेवलप होता है। नेहा सॉरी लव यू टू माय डियर, जहां कॉमनली बैड सोर डेवलप होता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप बैड सोर। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा एल्बो, इसके अलावा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज एल्बो, दैट इज एल्बो, और फाइनली दैट इज अल, दैट इज अल, और हील जो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन, हील जो बच्चों सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेड सोर है। ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, जहां कभी भी क्वेश्चन के अंदर पोजिशन मेंशन नहीं किया, कभी भी क्वेश्चन के अंदर पोजीशन मेंशन नहीं किया हो तो आपको कौन सी पोजीशन कंसीडर करना है, सुपाइन, कौन सी कंसीडर करना सुपाइन। मैं आपको सभी पोजीशन के बारे में बताऊंगा, बट यहां पर आपको सुपाइन कंसीडर करना है। और सीधा क्वेश्चन पूछेंगे मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप बेड सोर, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, सैक्रम। सेकंड मोस्ट कॉमन पूछेंगे तो आंसर क्या लिखना, हील। क्या लिखना बच्चों, हील। ये दो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए बार बार यहां पर फोकस कर रहा हूं, बाकी मैं अदर पोजीशंस के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। यदि हम बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, साइड लाइन पोजीशन या लेटरल पोजीशन, बहुत सारे बच्चों को शौक होता है लेटरल पोजीशन में लेटने। मैं टाइम ड्यूरेशन भी बताऊंगा कि कितने टाइम तक एक ही पोजीशन में लेटने से बेड सोर हो सकता है, ये भी डेंजरस है। बट पहले मैं आपको बात करता हूं बच्चों लेटरल पोजीशन। जब आप लेटरल पोजीशन में लेटे हो तो कौन कौन सा प्रोमिनेंट पार्ट होगा ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ईयर, ये जब लेटरल पोजीशन में पुट होगे तो ईयर जो है वहां प्रेशर पुट होगा, प्रेशर पुट होने की वजह से ब्लड सप्लाई ऑफ हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो वहां पर सेल और टिश्यूज डैमेज, सेल और टिश्यूज डैमेज, ओके फाइन। दूसरा बच्चों चीक, जैसे आप लेटरल पोजीशन में लेटोगे तो चीक वो प्रोमिनेंट पार्ट होगा जहां पर ब्लड सप्लाई अल्टर्ड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद में शोल्डर, उसके बाद में क्या होगा बच्चों, शोल्डर। शोल्डर यदि आपका एक ही पोजीशन में है तो वहां पर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। देन रिप्स, देन रिप्स, देखिए रिप्स में भी जिस पोजीशन में आप लेटे हो, यदि लेफ्ट लेटरल में लेटे हो तो लेफ्ट साइड की रिप्स होगी, राइट लेटरल में लेटे हो तो राइट साइड की रिप्स होगी। Then my loving future nursing officer, superior iliac crust. देखिएगा जब हम इलियम बोन पढ़ते हैं, पेल्विस पढ़ते हैं, पेल्विस कंसिस्ट ऑफ फोर बोन, दो इनोमिनेटेड होता है, एक सैक्रम होता है, एक कॉकिक्स होता है। इनोमिनेटेड फर्दर तीन बोन में जाता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस, और इलियम जो है, इलियम जो, इलियम का सुपीरियर इलियक क्रस्ट जहां फेल्ट करते हो, जहां फेल्ट करते हो वो सुपीरियर इलियक क्रस्ट होता है। ये वो प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं बच्चों जहां पर लगातार प्रेशर पुट होने की वजह से, यदि एग्जाम में आपको लेटरल पोजीशन का पूछे हैं तो ये प्रेशर पॉइंट होंगे, ये प्रोमिनेंट पार्ट होंगे जहां पर लेटरल पोजीशन में इन पॉइंट में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। गेट इट एवरीवन, ओके फाइन। कभी कभी आजकल की जो यूथ है, आजकल की जो जनरेशन है, वो जब नींद में सोते हैं, जब नींद में सोते हैं तो कौन सी पोजीशन को प्रीफर करते हैं बच्चों, प्रॉन पोजीशन, उल्टा लेटना पसंद है, कंफर्ट जोन फील करते हैं। यदि कोई प्रॉन पोजीशन में लेटा है, कोई उल्टा लेटा हुआ तो भी ध्यान रखना, उल्टा लेटेंगे तो गर्दन तो साइड में होगा या राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, तो इसके जो प्रोमिनेंट पार्ट होंगे दैट इज अ टेम्पोरल, दैट अगेन चीक, एंटीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर, ये हिस्सा जो होगा शोल्डर का जब हम प्राउन पोजीशन में लेटेंगे तो दैट आर कॉमनली अफेक्टेड व्हेन वी आर इन प्राउन पोजीशन। देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नी, देखना बच्चों नी में जो पटेला वाला पोर्शन होता है, जो पटेला बोन वाला पोर्शन होता है जिसको हम नी कैप बोलते हैं, वो प्रोमिनेंट पोर्शन होता है, वो टिका हुआ पोर्शन होता है। मैं प्राउन पोजीशन की बात कर रहा हूं यहां पर। Then toes and sole of the foot, पैर का जो toes है वो directly put होता है, और ये वो prominent part है जहां पर prone position वाले patient को bed sore होने की probability बहुत ज्यादा होती है। Get it everybody? तो यहां मैंने अलग अलग आपको तीन position put किया है, but exam purpose जो आप use है, sacrum most common site होता है, heel second most common site होता है। जहां पर कहीं पोजीशन का नाम पुट नहीं किया हो तो आपको इन दोनों को प्रिफर करना। गेट इट एवरीबॉडी? तो यहां तक तो हमने देखा बच्चों पोजीशन और साइट्स,
अब एक स्पेशल वीडियो आपको पुट करूंगा, उसके बाद फर्दर हम फर्दर पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ब्रेंडन स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। कल आपने देखा था JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जर्नी का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था 2015 से लेके 2018 तक आपकी JINC ने क्या मेहनत की ऑफलाइन। आज आप देखेंगे JINC जर्नी का पार्ट सेकेंड, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो, जिस संस्था से आप जुड़े हो, आपका JINC रियल में ऑफलाइन कितना हार्डवर्क करने के बाद ऑनलाइन आपके सामने आया। हमेशा याद रखना, JINC कोई यूट्यूबर चैनल नहीं बच्चों, JINC यूट्यूब पे पैदा किया हुआ चैनल और नर्सिंग कोचिंग नहीं है। JINC में पढ़ाने वाले टीचर कंप्लीटली प्रोफेशनल्स है, PhD MSc की हुए फैकल्टीज है, जिन्होंने पिछले 60 बैचेस को पास आउट करने के बाद आपसे मुलाकात की है। तो आपको पूरा हक है अपने JINC को जानने का। यू कैन सी एवरीबडी। देखिएगा JINC जर्नी के सेकेंड पार्ट को। जब JINC का ई नर्सिंग का यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ था, उससे अब तक की 4G JINC जोधपुर ने 4G ई नर्सिंग लॉन्च किया, उसके बाद बुक का नेक्स्ट एडिशन JINC का लॉन्च हुआ। ये JINC के वो बुकलेट से जो आप परचेज करते हो, नोट्स के फॉर्म में जो घर मंगवाते हो, सब्जेक्ट वाइज सारे बुक्स यहां पर दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जो आप घर बैठे मंगवा करके स्टडी कर सकते हो। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना, उसके बाद फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम। ये JINC के सब्जेक्ट वाइज नोट्स का फोटो आपके सामने, सेलेक्टेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टू नर्सिंग ऑफिसर, उसके बाद फोर्थ फाउंडेशन डे जो JINC का सेलिब्रेट हुआ, फैशन शो आपको यहां पर दिख रहा है, मॉडलिंग आपको यहां पर दिख रही है। मैं कहता हूं हमेशा 28 जून को मेगा कल्चरल इवेंट JINC जोधपुर में कंडक्ट किया जाता है। ये फोर्थ फाउंडेशन डे की कुछ झलकियां हैं जो आपको देखने का पूरा हक है, एटलीस्ट पता चलेगी आपका JINC। ये देखिए JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग के बच्चों के स्किट, ये पुलवामा अटैक पे कंडक्ट किया गया बहुत बड़ा स्किट था। ये टीम JINC उनके साथ डेलीगेट्स यहां पर बैठे हुए हैं। दिस इज द पावर ऑफ JINC। अगेन कुछ डांस की कल्चरल एक्टिविटी यहां पर दिख रहा है आपको। फोर्थ फाउंडेशन डे है जहां पर काफी कल्चरल प्रोग्राम कंडक्ट किए गए थे मेडिकल ऑडिटोरियम में। उसके बाद जिपमर पॉन्डिचेरी की टेस्ट सीरीज कंडक्ट की गई थी, जहां पर बहुत सारे बच्चे JINC परिवार के सेलेक्ट भी हुए थे। ये टेस्ट सीरीज का सिनारियोज है। ये वो क्लासरूम है जहां पर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की गई थी, JINC जोधपुर का क्लासरूम। दैट यू कैन सी पावर ऑफ JINC। उसके बाद लगातार नए बैचेस स्टार्ट किए गए। फ्री मेगा टेस्ट हमेशा मेन एग्जाम से पहले JINC कंडक्ट करता है। ये आपकी JINC जोधपुर की जिंक जोधाना कबड्डी टीम है बच्चों। JINC स्पोर्ट्स में भी बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करता है। RRB टेस्ट सीरीज, जहां पर जो टेस्ट सीरीज में बच्चों ने क्लास में टॉप किया था उनको मोमेंटो देते हुए। एक एक एक्टिविटी आपको जानने का हक है कि व्हाट इज बिहाइंड, व्हाट इज द बैकबोन, क्या है आपकी JINC, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो। ये रियल क्लासरूम से बच्चों, जहां पर क्लासे कंडक्ट होती है। देन गुरु पूर्णिमा, द स्टूडेंट के द्वारा टीचर का सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह प्रोग्राम जहां पर टीम JINC बच्चों का बहुत सारा प्यार और स्नेह। ये JINC स्टूडेंट के द्वारा बनाई गई पेंटिंग आपके अशोक सर की, देन यू कैन सी इस तरीके का प्यार जो है करोड़ों रुपए में खरीद नहीं सकते। ये बच्चों के दिल से जो सम्मान होता है किसी टीचर के प्रति। फिफ्थ एडिशन लॉन्च किया था JINC बुकलेट का, JINC के स्टूडेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया। आप सभी से ये निमंस बेंगलुरु की जो
टेस्ट सीरीज जेएनसी ने कंडक्ट की थी, उसमें सेलेक्टेड टॉप रैंकर बच्चों को मोमेंटो देते हुए दैट इज अ रियल क्लासरूम जहां जेएनसी के हजारों बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। जेएनसी के टीम मेंबर रेस्पेक्टेड हरीश सर जो ट्वेल्थ बायो के बच्चों को एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं, एक एक बैच का हिसाब आपको यहां पर मिलेगा बच्चों। एम्स रायपुर टेस्ट सीरीज, जब भी आप किसी कोचिंग या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो आपका हक बनता है कि आप उस कोचिंग का बैकग्राउंड देखें, उस YouTube चैनल पे पढ़ाने वाले टीचर्स का बैकग्राउंड देखें, क्या पावर है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या हार्डवर्क है उनका, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन आप कोर्स परचेज करें ताकि आपको एटलीस्ट ये तो भरोसा हो कि ये जो टीचर टीच कर दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतने सिलेक्शंस देने के बाद ये टीचर आपके सामने आए। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये जेएनसी के क्लासरूम से जहां पर क्लासें रन करती है, थैंक यू राकेश मीना, ये मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर कल्चरल एक्टिविटी होती है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। पौधारोपण करते हुए असहायों की मदद के लिए कोशिश की टीम जेएनसी ने। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का जो बैच चलता है जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में, उसकी क्लासरूम्स है, जो बच्चे ट्वेल्थ पास होते हैं बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देके बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं वो भी जेएनसी जोधपुर कंडक्ट करता है। गणपति स्थापना हर साल जेएनसी कैंपस में की जाती है, उसका विसर्जन किया जाता है। एक एक वो एक्टिविटी आपके सामने पुट करने की कोशिश की ताकि आपको जेएनसी की सच्चाई पता चले। टीचर्स डे सेलिब्रेशन टीम जेएनसी और जेएनसी परिवार में, जहां पर बच्चों के द्वारा सम्मान सत्कार किया जाता है। दिस अ पावर ऑफ टीम जेआईएनसी। उसके बाद एम्स दिल्ली टेस्ट सीरीज कंडक्ट की गई थी जहां फिर बहुत सारे बच्चे जो है अच्छी रैंक के साथ निकले और आज ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। ये वो क्लासरूम का सिनारियो है। उसके बाद एम्स दिल्ली और भटिंडा के लिए सेमिनार कंडक्ट किया गया था जहां पर बहुत मुश्किल से बच्चों को एडजस्ट किया क्लासरूम में, क्योंकि डे बाई डे आपका जेएनसी जो निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा था, आप सभी के भरोसे से क्लासरूम की साइज बड़ी की गई। उसके बाद गणपति विसर्जन में जेएनसी बच्चों के साथ गणपति विसर्जन किया गया। मैं चाहता हूं कि आपसे कोई जेएनसी के बारे में पूछे तो जरूर बताएं। ये जेआईएनसी के द्वारा आर्थिक मदद जो एक नर्सिंग स्टूडेंट की सडनली डेथ हो गई थी, उसके परिवार को जेएनसी परिवार ने आर्थिक मदद की, वो भी आपके सामने है। हमेशा कुछ सोसाइटी के लिए भी करना चाहते हैं। आप जहां भी बैठे हैं आपको जेएनसी के बारे में यदि कोई पूछे तो आप प्राउडली बता सकें कि हम जेएनसी परिवार के मेंबर हैं और ये हमारा इतना बड़ा भरा पूरा परिवार है। जेएनसी क्लासरूम की स्ट्रेंथ से आपको पता चल चुका होगा कि हजारों की तादाद में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जेएनसी में स्टडी कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, और लॉकडाउन के बाद लाखों लोग जेएनसी से जुड़ गए। एक एक और सेलेक्टेड स्टार का फोटो आप तक पहुंच रहा है। ये दिव्यांग नर्सिंग छात्रा थी विमला, उसकी डेथ होने के बाद जेएनसी परिवार ने सहायता मदद की। बीएससी नर्सिंग के सेशन के फोटोज आपके सामने।
ये जेएनसी जिंक जोधाड़ा कबड्डी टीम भी आपकी याद रखिएगा बच्चों, स्पोर्ट्स में प्रो कबड्डी की तरह टीम जेएनसी की तरफ से जिंक जोधाड़ा राजस्थान कबड्डी लीग में टीम खेली जाती है। बड़े लेवल का टूर्नामेंट है, आप देख सकते हैं दैट यू कैन सी एवरीबडी। ये टीम जेएनसी जोधाड़ा की एक्टिविटीज है जो लास्ट सीजन जयपुर में कंडक्ट हुआ था राजस्थान के। लगातार आपकी टीम ने मैचेस को जीता वहां पर। राजस्थान कबड्डी लीग का रनर अप चैंपियन रहा आपका टीम जेएनसी जिंक जोधाड़ा। एक एक एक्टिविटी आपको एनकरेज करती है कि जिंदगी में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। यदि हम डिसाइड कर लें, हम करना चाहें, तो मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को कि कोई जिंदगी में अपने को बीट नहीं कर सकता जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यह करना है और जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दे। स्किल टेस्ट की तैयारी भी जेएनसी करवाती है। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें प्रिपेयर करवाई जाती है। हर बैच का वो फोटो आपके सामने है कि जेएनसी में कितने बैचेस पास आउट हुए, कितने बैचेस अभी तक निकल चुके, हजारों की तादाद में बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। दैट यू कैन सी एवरीबडी। एक एक क्लासरूम की वो एक्टिविटी आपको दिख रही होगी बच्चों। स्टडी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमेशा आपको बूस्टअप करके रखती है, एनर्जेटिक बनाए रखती है, लाइफ में हमेशा कुछ करने के लिए एंकरेज करने वाली सारी एक्टिविटी टीम जेएनसी कंडक्ट करती है। दैट्स अ रियल क्लासरूम जहां पर आपकी कोचिंग क्लासेस रन करती है। ये नर्सिंग कोर्सेज जो टीम जेएनसी के द्वारा रन करते हैं, एमएनएस की कोचिंग भी है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एंट्रेंस की कोचिंग। तो ये थी लॉकडाउन से पहले तक की जेएनसी की जर्नी। जब से जेएनसी स्टार्ट हुआ 2015 से लेकर लॉकडाउन तक क्या क्या किया आपकी टीम जेएनसी ने, लॉकडाउन के बाद की जर्नी एक बार और आपको दिखाएंगे। इस जर्नी को दिखाने का मेरा पर्पस था कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आप जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल से क्यों जुड़े, क्या है जेआईएनसी, क्यों जेएनसी लोकल से पैंडेमिक हो गया, क्यों आज जेएनसी के पास हजारों की तादाद में सिलेक्शन है, क्या बैकग्राउंड है आपके जेएनसी का। मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप प्राउडली बता सकते हो कि ये हमारे जेएनसी का इतिहास है। मैंने कहा था ना कि 11 स्टूडेंट से स्टार्ट होकर के आज 1,11,000 स्टूडेंट से ऊपर पहुंच चुका आपका जेएनसी, ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला करके। This is your JNC. The thank you India to trust on. आप चाहो तो दुनिया बदल सकते हो, आप चाहो तो एक लिमिटेड लाइफ जी सकते हो, बस डिसाइड आपको करना है, ड्रीम पूरा आपको करना है। जिंदगी में मुसीबतें आपको झेलनी है और जब मुसीबतें आएगी उतना ही सिलेक्शन होने के और सक्सेस होने की हंगर आपकी बढ़ जाएगी। ऑब्स्टेकल को हटाते जाओ, जिंदगी में चलते जाओ, कभी मत रुकना जब तक सफल ना हो जाओ। ये फॉर्मूला आपकी जेएनसी का, आपको भी यही फॉर्मूला अपनाना है। ओके फाइन, बैट्स और की नेक्स्ट कड़ी में बच्चों हम पढ़ते हैं कि प्रेशर कितना, प्रेशर जो कैपिलरीज का है ऑफ हो जाने की वजह से बैट्स और डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने कहा प्रेशर नीड टू क्लोज ऑफ कैपिलरी, यू कैन सी एवरीबडी।
आपकी कैपिलरी जो है उसका लगभग 16 टू 32 mm ऑफ Hg प्रेशर कम हो जाए, दैट इंडिकेटिंग कि ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया। दूसरा पूछेंगे कि कितने ड्यूरेशन तक एक ही पोजीशन में लेते रहने की वजह से प्रोमिनेंट पार्ट पे प्रेशर पुट होगा और दैट प्रेशर कैन कॉज बैड सोर। तो आपको आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 6 to 12 hours, 6 to 12 hours, 6 घंटे से 12 घंटे तक यदि लगातार आप एक ही प्रोमिनेंट पार्ट पे प्रेशर पुट हो रहा है, इट मे बी चांस टू डेवलप बैड सोर। यू विल बी रिमेंबर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके फाइन, अब बात आती है बच्चों स्टेजेस ऑफ बेड सोर। यहां पर जितने भी मैं स्टेजेस आपको बताऊंगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, द थ्योरी बेस्ड भी पूछा जाता है, हमें दोनों प्रिपेयर करना है। मैंने फोटो भी पुट किए, इमेज को भी देखिएगा। इस तरीके से आप देखेंगे बच्चों, आपने स्किन का लेयर अच्छे से पढ़ा, एपिडर्मिस पढ़ा, डर्मिस पढ़ा, हाइपोडर्मिस पढ़ा, मसल्स पढ़ा, बोन पढ़ा। यहां पर देखिएगा सबसे पहले बच्चों स्किन की कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, दूसरी लेयर कौन सी है, डर्मिस होती है, फिर कौन होता है बच्चों हाइपोडर्मिस, फिर कौन होता है हाइपोडर्मिस, फिर कौन होता है मसल्स, फिर कौन होता है मसल्स, और लास्ट में कौन आएगा बच्चों बोन आएगा, कौन आएगा बोन आएगा। दिस इज द पाथवे, दिस इज द पाथवे, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन मसल, देन बोन। अब जब हम पर्टिकुलर स्टेजेस को पढ़ेंगे तो कौन से स्टेज में कौन सा लेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा याद रखना जरूरी है, बोन विजिबल कौन से स्टेज में होता है यह भी याद रखना जरूरी है। आई होप इट विल बी अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरफ आप देखिएगा, इस पिक्चर में देखिएगा, यहां एक रेड स्पॉट दिख रहा है बच्चों, यहां आपको एक रेड स्पॉट दिख रहा है और ये रेड स्पॉट के अंदर एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट है और ये दिख रहा है सन रेज की वजह से हुआ, ये सन रेज की वजह सन बर्न है। हियर यू कैन सी स्टेज फर्स्ट जो है रेड स्किन दिखेगा, डार्कन स्किन दिखेगा, ब्लूइश दिखेगा, याद रखना बच्चों इंडिकेट करता है कि एट रिस्क टू डेवलप बैड सोर, मतलब ये इनिशियल फेज का हुआ है जहां पर रेडनेस दिखा, जहां पर डार्कन दिखा, जहां ब्लूइश कलर दिखा, मतलब वो इनिशियल फेज है जहां पर ब्लड सप्लाई अल्टर्ड होने की वजह से पेशेंट का इस तरीके के सिम्टम दिख रहे हैं। इसको क्वेश्चन पूछेंगे हियाल्डिंग साइन ऑफ रिस्क, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, हियाल्डिंग साइन ऑफ बर्न पूछेंगे। हियाल्डिंग साइन का मतलब होता है बच्चों रेड डार्क स्किन और ब्लूइश, रेड डार्क और ब्लूइश, तीन कैरेक्टरिस्टिक वाली स्किन दिख रही है, मतलब इंडिकेट कर रही है वहां पर ब्लड सप्लाई ऑफ हुआ है, वहां की स्किन डैमेज हो सकता है, इसलिए एट रिस्क वाला फेज हम कह सकते हैं। और सबसे खास बात, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका बच्चों, इन्वॉल्वमेंट किसका, एपिडर्मिस का, किसका इन्वॉल्वमेंट है बच्चों एपिडर्मिस का। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ओनली ऑब्जर्वेशन, कोई पर्टिकुलर ड्रग की जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस वुंड को ऑब्जर्व करना है और पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि स्टेज फर्स्ट बेड सोर है और वहां पर रेडनेस दिख रहा है, डार्कन दिख रहा है, ब्लूश दिख रहा है, तो उसको क्लीन किससे किया जाता है, याद रखना बच्चों क्लीन विद प्लेन वॉटर, प्लेन वॉटर से क्लीन करना है, किसी भी तरीके का कोई सब्सटेंस यूज नहीं करना है। That get everybody, plain water, ना तो यहां पर नॉर्मल स्लाइन यूज करना है, ना कोई बिटाडीन यूज करना है, सब प्लेन वॉटर से क्लीन करना है, क्योंकि जब तक यह हुंड ठीक नहीं होता तब तक वहां पर क्लीन रखना है, वेट नहीं होने देना है, अनहाइजीनिक नहीं होने देना। ओके फाइन, ये हमने बात की बच्चों स्टेज फर्स्ट की। वही फर्दर देखिएगा स्टेज सेकेंड, इस हुंड को देखिएगा, हुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उंड को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यू कैन सी आई वाज पुटेड हियर, ब्रेकडाउन ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस, मतलब स्किन की दोनों लेयर यहां पर क्या है इन्वॉल्व है, आपको इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा होगा बच्चों, यू कैन सी एवरीबडी, ये पिक्चर देखिएगा, यहां एपिडर्मिस आपका इन्वॉल्व दिख रहा है, देन डर्मिस भी आपका इन्वॉल्व दिख रहा है, जब दोनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो इस तरीके का हुंड दिखेगा। और दो लेयर से याद रखना स्टेज टू, दो लेयर से याद रखना बच्चों स्टेज टू या स्टेज सेकेंड। सबसे खास बात, इसको क्लीन करने के लिए साल्ट वाटर या नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है।
फर्स्ट स्टेज को क्लीन करने के लिए क्या था? प्लेन वाटर. सेकेंड स्टेज को क्लीन करने के लिए क्या है? नॉर्मल स्लाइन. फर्स्ट स्टेज में ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व था, सेकेंड स्टेज में दोनों लेयर एपिडर्मिस भी है और दूसरा डर्मिस भी इन्वॉल्व है. गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन. ये दो स्टेज मैंने यहां पर पुट किया, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड. इमेजेस देखना बहुत जरूरी है. एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इमेज को देख के बताना होगा कि पेशेंट को कौन सा स्टेज ऑफ बेड सोर था. बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है. ओके फाइन. स्टेज थर्ड में देखिएगा, स्टेज थर्ड में क्या बच्चों? फुल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस टू द डर्मिस एंड सबकुटेनियस टिश्यू. मतलब क्या हुआ? ये आपका एपिडर्मिस गया, डर्मिस गया, सबकुटेनियस, या तीनों दिख रहा बच्चों. एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट, डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट और हाइपोडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट, जहां तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट है, फिर बचा कौन सा? मसल बचेगा और कौन बचेगा? बोन बचेगा. तो इस तरीके का यदि हुंडा आपको दिख रहा है, याद रखिएगा दैट काइंड ऑफ स्टेजेस वी कैन स्टेज थर्ड. याद रखने का तरीका, तीनों, दोनों मेन लेयर एक सपोर्टिव लेयर, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है वो स्टेज थर्ड है, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है वो स्टेज थर्ड है. ओके फाइन. ओके फाइन. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डेली एम्स हमेशा पूछता है, डेली एम्स पूछता है हमेशा स्टेज फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे कि बॉन विजिबल कौन से स्टेज ऑफ बैड सोर में होता है. इस पिक्चर में क्लियरली देखिएगा बच्चों, ये आपका बॉन है, ये आपका बॉन है. आप देखिएगा यहां पर सबसे पहले बच्चों एपिडर्मिस गया, फिर डर्मिस गया, फिर हाइपोडर्मिस गया, फिर मसल्स गया और फाइनली कौन सा पार्ट विजिबल हो गया? बॉन विजिबल हो गया. कौन सा पार्ट विजिबल हो गया? बॉन विजिबल हो गया. दिस इज योर एपिडर्मिस, दैट इज अ डर्मिस, दैट इज अ हाइपोडर्मिस, दैट इज अ मसल्स और बॉन विजिबल. दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन. जब बॉन विजिबल होगा तो डेफिनेटली पेनलेस होगा क्योंकि स्किन के सेकेंड लेयर में नर्व सप्लाई था और जब नर्व डैमेज हो जाएगा तो सेंसेशन ही नहीं आएगा, तो पेन ही नहीं होगा. तो ये पेनलेस होता है. कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेनलेस कंडीशन जो है कौन से स्टेज ऑफ बेड सोर में होता है, तो आपको आंसर लिखना फोर्थ में. नेक्रोसिस भी यही भी डेवलप होता है और स्किन का सेपरेशन एसर के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है. स्किन क्या हो जाएगी बच्चों? सेपरेट हो जाएगी. स्किन क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी. ये कौन से स्टेज में होता है बच्चों? फोर्थ स्टेज. कौन से स्टेज में होगा? फोर्थ स्टेज. अब सबसे खास बात कि हमने चारों स्टेजेस को देखा, एक टर्म्स आता है स्लग, स्टिंगी सब्सटेंस अटैच टू द हुंड. मतलब इस तरीके का स्टिंगी सब्सटेंस जब हुंड से अटैच रहता है तो ब्लड सप्लाई को अल्टर करता है, ब्लड सप्लाई को पहुंचने नहीं देता है, उसको हम स्लग बोलते हैं. इसका मीनिंग एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, इसका मीनिंग एग्जाम में पूछते हैं, दैट वी कैन से स्लग्स. गेट इट एवरीवन? ओके फाइन. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. तो ये चार स्टेजेस थे बैड सोर के. अब बात क्या आती बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच इज द टूल या विच इज द इंस्ट्रूमेंट विल यूज टू असिस्ट स्टेजेस ऑफ बैड सोर. आप सबको पता होगा उसको हम ब्रेंडन स्केल बोलते हैं. बट ब्रेंडन स्केल में जो एलिमेंट्स को हम असिस्ट करेंगे, जो एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, उन एलिमेंट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसको बाद ब्रेंडन स्केल को स्टार्ट करेंगे, जिसमें एलिमेंट्स का पर्पज क्या होगा, कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे. हियर यू कैन सी ब्रेंडन स्केल के एलिमेंट्स में सबसे पहला बच्चों क्या देखेंगे हम? सेंसरी परसेप्शन देखेंगे. समझने की बहुत जरूरत है ताकि आपको समझ में आएगा कि ब्रेंडन स्केल में मार्किंग कैसे करना है, पॉइंट कैसे देने हैं. सेंसरी परसेप्शन का मतलब एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द डिस्कम्फर्ट टू द प्रेशर ऑन द बॉडी पार्ट. आपको क्या करना है, जिस बॉडी पार्ट पे प्रेशर पुट हो रहा था उस बॉडी पार्ट पे आपको प्रेशर पुट करके पेशेंट को सेंसरी रिस्पॉन्स को देखना. यदि पेशेंट का सेंसरी रिस्पॉन्स प्रेजेंट है तो फुल स्कोर देना, यदि सेंसरी रिस्पॉन्स अब्सेंट है तो एक मार्क्स देना है. ये पॉइंट समझने की बहुत जरूरत है बच्चों. मैंने क्या पुट किया, सेंसरी परसेप्शन का मतलब एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू डिस्कम्फर्ट टू द प्रेशर ऑन द बॉडी पार्ट. जिस बॉडी पार्ट पे प्रेशर पुट हुआ, आपने प्रेशर करके देखा, वहां पर प्रेशर पुट के अंदर देखा, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वन पॉइंट देना है और पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया तो आप फोर पॉइंट्स देने. पहला पॉइंट होगा, ये पहला एलिमेंट है किसका, ब्रेंडन स्केल का. दूसरा एलिमेंट देखिएगा मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब होता बच्चों मूवमेंट. मोबिलिटी का मूवमेंट मतलब होता मूवमेंट, दैट मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू
बॉडी पोजिशन इंडिपेंडेंटली, मतलब आप सुपाइन पोजिशन में लेटे हो, ऑक्सीपिटल आपका प्रेशर पॉइंट है और बिना किसी सपोर्ट से आपने गर्दन को टर्न कर लिया, इसका मतलब मोबिलिटी प्रेजेंट है तो आपको फुल पॉइंट देना बच्चों, और यदि मोबिलिटी अब्सेंट है तो एक पॉइंट देना, एक स्कोर देना। ये स्कोर से पता चलेगा कि पेशेंट को बेड सोर है या नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड एलिमेंट है बच्चों एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब लुक्स एट द पेशेंट, पेशेंट की तरफ देखना है, पेशेंट का फिजिकल लेवल देखना है, फिजिकल एक्टिविटी देखना है कि वेरी लिटल है या नो एक्टिविटी कैन, या तो पेशेंट को तरफ देखना कि पेशेंट एक्टिव है, अपनी एक्टिविटी कर रहा है तो वेल एंड गुड, फुल मार्क्स दीजिएगा। एक्टिविटी यदि अब्सेंट है तो पेशेंट को क्या हो सकता है बच्चों, एट्रोफी हो सकता है मसल्स का, या टिश्यूज क्या हो सकता, ब्रेक डाउन हो सकता, मतलब जिस बॉडी पार्ट में बेड सोर डेवलप हुआ है उस बॉडी पार्ट में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं है, वन पॉइंट देना है। एक्टिविटी नहीं है मतलब क्या हो रहा है, एट्रोपी हो सकता है और सेल और टिश्यू ब्रेक डाउन हो सकता है, और यदि एक्टिविटी प्रेजेंट है तो फुल मार्क्स देना बच्चों, फुल पॉइंट देना। ओके फाइन, नेक्स्ट एलिमेंट देखिएगा, फ्रिक्शन एंड शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रिक्शन का मतलब लुक्स अमाउंट ऑफ असिस्टेंट, a client need to move and degree of sliding on the bed on chair, मतलब friction का मतलब patient जिस position में लेटा हुआ है अपनी position से move कर रहा है with the support, that means full marks, there is no movement on the friction point, one marks, कितना दोगे बच्चों, one marks, okay fine। उसके बाद में न्यूट्रिशनल लेवल देखना पेशेंट को, और लास्ट में मॉइस्चर को फाइंड आउट करना है। यदि एक्सेसिव और कंटिन्यूस मॉइस्चर है इट मे बी चांसेस टू डेवलप इरोजन, तो पेशेंट को मॉइस्चर का मतलब स्किन जो जहां पर प्रेशर पुट रहा था वहां पर यदि पेशेंट को मॉइस्चर प्रेजेंट है, लगातार प्रेजेंट है, इरोजन हो सकता है। तो ये वो एलिमेंट्स है जो मैं आपको आगे ब्रेंडन स्केल में बताऊंगा, कौन कौन से, सेंसरी परसेप्शन, मोबिलिटी, एक्टिविटी, फ्रिक्शन, न्यूट्रिशन और मॉइस्चर। अब इन पॉइंट को एनालिसिस जब हम करेंगे तो किसका यूज करेंगे बच्चों, ब्रेंडन स्केल का, किसका यूज करेंगे ब्रेंडन स्केल का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे ब्रेंडन स्केल। 1987 में ये फर्स्ट टाइम आया, ब्रेंडन स्केल जो है 1987 में फर्स्ट टाइम आया, और इसमें क्या देखेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, देखिए सेंसरी परसेप्शन यदि अब्सेंट है तो वन मार्क्स देना है, प्रेजेंट है फोर मार्क्स देना है, मोबिलिटी अब्सेंट है तो वन मार्क्स देना है, प्रेजेंट है फोर मार्क्स देना है, एक्टिविटी प्रेजेंट है वन मार्क्स देना है, अब्सेंट है फोर मार्क्स देना है, फ्रिक्शन कंटिन्यू प्रेजेंट है वन मार्क्स, फ्रिक्शन वहां पर नहीं है तो थ्री मार्क्स, देन न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है वन मार्क्स, गुड है फोर मार्क्स, और मॉइस्चर प्रेजेंट है वन मार्क्स, और मॉइस्चर अब्सेंट है फोर मार्क्स। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम स्कोर कितना होता है ब्रेंडन स्केल का, तो आपको आंसर लिखना है 23, और आपसे पूछे मिनिमम कितना होता है तो आपको आंसर लिखना 6। आपको क्या आंसर लिखना बच्चों, 6। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, सेंसरी परसेप्शन, मोबिलिटी, एक्टिविटी, फ्रिक्शन, न्यूट्रिशन और मॉइस्चर, सारे एलिमेंट्स कब वन वन देंगे, जब अब्सेंट होगा, जब अब्सेंट होगा, और फुल मार्क्स कब देंगे, जब प्रेजेंट होगा। 6 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे 6 एलिमेंट होते हैं। फ्रिक्शन का 3 मार्क्स मैक्सिमम है, इसीलिए टोटल मैक्सिमम कितना हो रहा है 23, और मिनिमम कितना हो रहा है 6, मिनिमम कितना हो रहा है 6। अब ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई इसके पर्टिकुलर पॉइंट के मिनिमम और मैक्सिमम, हमें पता क्या लगाना था कि पेशेंट के बेड सोर की सीवियरिटी का पता कैसे लगाएंगे, कितना स्कोर होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये हमें जानना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई विल पुट हियर यू कैन सी एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, देखिएगा ब्रेंडन स्केल 1987 में आया, नॉर्मल रेंज 6 to 23 मैंने आपको बताया, 23 मैंने कहा था बच्चों ये मैक्सिमम रेंज है, क्या है मैक्सिमम है 6, क्या है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये मिनिमम रेंज है, मिनिमम 6 होगा, मैक्सिमम 23 होगा। ओके फाइन, अब ये ब्रेंडन स्केल से जब आपने पेशेंट को बेड सोर का लेवल असिस किया, यदि लेस देन 9 है वेरी हाई रिस्क टू डेवलप बेड सोर, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू,
यदि स्कोर में टोटल जब आपने काउंट किया और टोटल स्कोर लेस देन 9 मिला, मतलब उस पेशेंट को रिस्क बहुत ज्यादा है क्या डेवलप होने का, बैड सो डेवलप होने का, क्या डेवलप होने का बच्चों, बैड सो डेवलप होने का। वही यदि स्कोर हमने 10-12 देखा तो रिस्क थोड़ा कम हुआ बट स्टिल हाई रिस्क है। और जब हमने लेवल देखा बच्चों 13-14 मॉडरेट रिस्क, ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि कितना स्कोर होगा तो पेशेंट इज एट रिस्क टू डेवलप बैड सोर। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, याद रखना 13-14 स्कोर ऑफ ब्रेडन स्केल विल इंडिकेटिंग पेशेंट इज ऑन रिस्क टू डेवलप बैड सोर। दैट मींस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे जैसे स्कोर बढ़ रहा है कंडीशन मिनिमाइज हो रहा है, जैसे जैसे स्कोर बढ़ रहा है कंडीशन सबसाइड होने के चांसेस है। स्कोर जितना कम होगा उतनी सीवियरिटी बढ़ेगी, स्कोर जितना कम होगा उतनी सीवियरिटी बढ़ेगी। 15-18 में बच्चों माइल्ड रिस्क ऑफ बैड सोर होगा। देन मोर देन 19 का मतलब हो गया नो रिस्क टू डेवलप बैड सोर। मतलब यदि पेशेंट के ब्रेडन स्केल का स्कोर आपको 19 से ज्यादा मिला, दैट मीन्स देर इज अ नो रिस्क। तीन पॉइंट याद रखना है, लेस देन 9 हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, 13-14 एट रिस्क, मोर देन 19 नो रिस्क, मोर देन 19 नो रिस्क। ये इस तरीके से ब्रेडन स्केल के 6 एलिमेंट को एनालिसिस करना है। यही वो तरीका है जहां पर ब्रेंडन स्केल से 6 पॉइंट को एनालिसिस किया जाता है और पॉइंट को जब जोड़ा जाता है इस तरीके से क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा बच्चों। 9 से कम होते ही बहुत ज्यादा रिस्क है और 9 से याद रखना 19 से बढ़ते ही रिस्क कम हो जाएगी, मतलब पेशेंट को बैड सोर की रिस्क क्या है बहुत कम है। गेट इट एवरीवन, दिस इज द ब्रेंडन स्केल will help to find out to assess the level of the stages of bed sore. तो आज के बाद यदि एग्जाम में बेड सोर के बारे में पूछेंगे तो ब्रेंडन स्केल के बारे में आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, किस तरीके से क्या पैरामीटर चेक करना है, मिनिमम स्कोर कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, रिस्क का कितना होगा, फ्री फ्रॉम रिस्क का कितना होगा। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। ब्रेंडन स्केल के बाद में आता प्रिवेंशन। देखिए As a nurse, what is our responsibility when the patient admitted in the hospital? It our responsibility to prevent patient from the bed sore. Bad ridden patient ko bed sore se prevent karna, ye apni own responsibility hoti hai. When the patient admitted in the hospital. To dear nurses ko kya kya karna hoga? Sabse important, bahut baar pucha hua question hai. Change position every 2 hours if the patient is on bed. Yadi patient bed pe, तो हर 2 घंटे से पोजीशन चेंज करना है। और यदि पेशेंट जो है पेशेंट चेयर पे है तो 15 मिनट से पोजीशन चेंज करना है। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, जल्दीबाजी ना करें। इफ द पेशेंट इज ऑन बेड यू नीड टू चेंज पोजीशन फॉर एवरी टू आवर्स। इफ द पेशेंट इज ऑन चेयर यू नीड टू बी चेंज पोजिशन फॉर एवरी 15 मिनट्स। दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पेशेंट यदि चेयर पे है तो कितने टाइम से पोजीशन को चेंज करना, पेशेंट यदि बेड पे तो कितने टाइम से पोजीशन को चेंज करना। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके फाइन, इसके अलावा एयर बैग मैट्रेस यूज कर सकते हो। एयर बैग में क्या होता है कि पेशेंट का बॉडी थोड़ा सा मूव करेगा तो ये एयर और वाटर बैग जो है पेशेंट की पोजीशन को इजिली टर्न कर देते हैं। इसीलिए एयर बैग मैट्रेस को हम और वाटर मैट्रेस को बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को यूज करते हैं कि उसमें पेशेंट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स होते ही पेशेंट को सपोर्ट मिल जाता है और पोजिशन चेंज हो जाता है जिससे बेड सोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा मसाज करना है, इंक्रीज या इंप्रूव ब्लड सप्लाई। उस बॉडी पार्ट की ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए पेशेंट के प्रोमिनेंट पार्ट पे हल्का मसाज करना है ताकि ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली पेशेंट के सेल और टिश्यूज क्या होगा, रीजनरेट होने लगेंगे। जो डैमेज होने वाले थे वो रीजनरेट होने लगेंगे। उसके अलावा पाउडरिंग का काम क्या होगा, ड्राइनेस को डेवलप करना, मॉइस्चर को मिनिमाइज करना। लगातार बॉडी का पार्ट मॉइस्चराइजेशन, मॉइस्चर है
तो आपको पाउडरिंग करके उस पार्ट को ड्राई करना होगा, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा, वेटनेस को मिनिमाइज करेगा और प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पेशेंट रिकवर होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके फाइन, ओके फाइन। इसके अलावा ट्रीटमेंट, देखिए यहां पर सीधे क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन पहला बनेगा कि पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको लिखना है क्लीन करना है प्लेन वाटर से। ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यू। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, तो मैंने कहा था नॉर्मल स्लाइन और साल्ट से उसको क्लीन करना है। यहां तक कोई क्वेरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपने देखा था कि एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट था, सेकेंड में आपने देखा एपिडर्मिस के साथ कौन आ गया था बच्चों, डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया था, स्किन की दोनों लेयर इन्वॉल्व हो गई थी यहां पर। ओके फाइन, ओके फाइन। उसके अलावा, उसके अलावा पीयूष तिवारी डेफिनेटली विश यू हैप्पी बर्थडे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। उसके अलावा प्रोटीन डाइट बढ़ाना बच्चों, प्रोटीन क्या करेगा, टिश्यू रिपेयर करेगा, प्रोटीन क्या करेगा, टिश्यू रिपेयर में मदद करेगा, क्योंकि प्रोटीन का काम है टू रिपेयरमेंट ऑफ द सेल और टिश्यू। तो डेफिनेटली पेशेंट को बैड सोर हो रहा है, सेल और टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो पेशेंट की प्रोटीन डाइट बढ़ाना, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर देना है, तो टिश्यू रिपेयर होने में मदद मिलेगी। ओके फाइन। इसके अलावा विटामिन सी देना है। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प फॉर वुंड हीलिंग, हेल्प फॉर वुंड हीलिंग। याद रखिए बच्चों, वुंड हीलिंग में मदद करता विटामिन सी, विटामिन सी हुंड को हील होने में मदद करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता देता हूं, बेड सोर का जो हुंड होगा, बेड सोर का जो हुंड होगा उसको कंटामिनेटेड हुंड कहा जाता है बच्चों, और आपको अच्छे से पता होगा कंटामिनेटेड को हुंड को जब भी क्लीन करना होता है तो बाहर से अंदर की ओर क्लीन किया जाएगा। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। ये जो आउटर सरफेस है, आउटर जो सरफेस है, आउटर सरफेस से आपको इनर सरफेस की तरफ क्लीन करना, ये आपका इनर सरफेस है, इनर सरफेस है, या आप बोल सकते हो पेरिफेरल टू सेंटर, पेरिफेरल टू सेंटर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। जब भी हमसे बात करें, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कि यदि बेड सोर के हुंड को क्लीन करना है तो आउटर टू इनर, बाहर से अंदर क्लीन करना होगा बच्चों, आउटर टू इनर सरफेस क्लीन किया जाता है और फ्रेश हुंड को इनर टू आउटर किया जाता है बच्चों, फ्रेश हुंड को इनर टू आउटर क्लीन किया जाता है, कंटामिनेटेड हुंड को आउटर से इनर क्लीन किया जाता है, और ये आपका बेड सोर का जो हुंड है वी कैन से कंटामिनेटेड। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, कई बार पूछा हुआ एमसीक्यू है, कई बार पूछा हुआ एमसीक्यू है, दैट क्लीन फ्रॉम द आउटर टू इनर सरफेस या पेरिफेरल टू सेंटर, पेरिफेरल टू सेंटर। गेट इट एवरीवन? ओके फाइन। विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट मैंने पुट किया बच्चों जिंक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है बेड सोर वाले पेशेंट को। ये डिसअपियर करता है रैश को और मसल स्पाजम को कम करने का काम करता है। दो काम है, जिंक ऑक्साइड जो है पाउडर फॉर्म में आता है, वुंड के ऊपर पुट किया जाता है, और ये जिंक ऑक्साइड जैसे ही पेशेंट के ब्लड में एंटर करेगा वुंड के द्वारा, तो वहां पर एक तो मसल स्पाजम को कम करेगा और एक रैशेस को डिसअपियर करेगा, एक रैशेस को डिसअपियर करेगा और हुंड जो है वो रीजनरेट होने लगेगा, हील होने लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपको मैंने कहा था बच्चों मसाज करेंगे जिससे पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हुंड को हील होने में मदद मिलेगी। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एक आपको रिस्क फैक्टर बताया था बच्चों डायबिटीज, उसके बारे में बताऊंगा। एक आजकल हीट थेरेपी देते हैं, हीट थेरेपी का काम भी सर्कुलेशन को इंक्रीज करना होता है। हीट थेरेपी वैसोडायलेशन का काम करती है, हीट अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिकल बल्ब। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बता रहा हूं बच्चों आपको, 100 वॉट का बल्ब यूज करना है, 100 वॉट का, और पेशेंट से लगभग 45 to 6 सेंटीमीटर अवे, सपोज ये पेशेंट का हुंड है, इस हुंड से लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर अवे यहां पर 100 वॉट का बल्ब को लगभग 10 मिनट तक पुट करना है, यहां पर 100 वॉट के बल्ब को लगभग, देखिए
देखिए फिर से बता रहा हूं, ये पेशेंट का हुंड है, ये पेशेंट का हुंड है, यहां पर आपने 100 वॉट का बल्ब पुट किया और ये डिस्टेंस जो है वो 45 से 60 सेंटीमीटर है और इसका ड्यूरेशन जो है वो 10 मिनट का। ये जो थेरापी है ये पेशेंट के ब्लड सप्लाई को इंप्रूव होने में मदद करेगी, हीट थेरापी का काम करेगी। कभी कभी पूछा जाता है कि जो पेशेंट का बैंड सोर का हुंड था, बैंड सोर के हुंड से कितने डिस्टेंस पे 100 वॉट के बल्ब को पुट किया जाता है, 45 टू 60 सेंटीमीटर लिखना है, कितने मिनट तक पुट किया जाता है, तो आपको आंसर लिखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर 10 मिनट तक। और उस 10 मिनट से हीट मिलेगा, हीट विल इंक्रीज योर ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स योर हुंड, क्योंकि हुंड में जब ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है तो हुंड इजिली हील होता है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके अलावा यदि डायबिटीज का पेशेंट है तो इंसुलिन को ड्रॉप आउट करना डायरेक्टली पेशेंट के, याद रखिएगा डायबिटीज का पेशेंट है तो डायरेक्टली, सपोज ये हुंड है, यहां पर क्या पुट करना होगा बच्चों, इंसुलिन। किसको पुट करना होगा? इंसुलिन को डायरेक्टली पेशेंट के हुंड पे पुट करना। इफ द पेशेंट इज डायबिटीज मेलिटस, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिमेंबर करने से सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हो। और मैं कोशिश पूरी की बच्चों, एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं छोड़ा जो इस बैड सोर्स से रिगार्डिंग आपसे पूछे और आप आंसर नहीं दे पाए। यू कैन सी एवरीबॉडी, अब क्या होता है कि आपने ठीक नहीं किया, बैड सोर हुआ, बैड सोर को ट्रीट नहीं किया, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? पेशेंट का बैड सोर का मोस्ट कॉमन साइट क्या बताया बच्चों? सैक्रम। मोस्ट कॉमन साइट मैंने क्या बताया? सैक्रम। सैक्रम किसकी बोन है बच्चों? वर्टिबल कॉलम की। किसकी बोन है? वर्टिबल कॉलम की। और वर्टिबल कॉलम में कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। कौन होता है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में कौन ट्रेवल करता है? स्पाइनल नर्व। कौन ट्रेवल करता है? स्पाइनल नर्व। यहां तक कोई इश्यू? और ये स्पाइनल नर्व आपकी बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट में सप्लाई करते हैं, बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट में सप्लाई होते हैं। मैंने कहा था सैक्रम मोस्ट कॉमन साइट होती है बैड सोर की, और सैक्रम जो है, उस सैक्रम किसका पार्ट है? वर्टिबल कॉलम की बोन है। वर्टिबल कॉलम के अंदर कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड में बच्चों स्पाइनल नर्व होते हैं। अब क्या होगा यदि पेशेंट को बैड सोर ठीक नहीं किया, यदि पेशेंट का बैड सोर हमने ठीक नहीं किया तो पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन होगा बच्चों? ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया होगा। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया को हम ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया भी कहते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया का मतलब होता है इंजरी ऑन T6। देखिए जो थोरेसिक 6 जो वर्टिब्रा है, उस पे यदि इंजरी हुआ तो एक डिजीज कॉज होती है, इसका नाम है ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया। इसका मीनिंग समझिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे कि ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया का मतलब क्या होगा, तो आपके स्पाइनल नर्व का इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्यों शुरू हुआ? यदि T6 पे इंजरी हुआ और T6 पे इंजरी होने के बाद में यदि स्पाइनल नर्व का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, दैट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, दैट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। और इस पेशेंट को सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उस पेशेंट को हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं बच्चों, ताकि ये जो स्पाइनल नर्व है उसका कंप्रेशन कम हो। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखना। ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया का मतलब होता है थोरेसिक सिक्स की इंजरी होगी तो स्पाइनल नर्व कंप्रेस होंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर एक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा। दैट वी कैन से हाई फाउलर पोजीशन देकर के इसको हम सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से बच्चों। देन उसके अलावा सपोर्टिव में ब्लैडर डिस्टेंशन हो सकता है, क्योंकि यदि पेशेंट का सैक्रम यदि आपका इन्वॉल्व होता है तो सैक्रम से नीचे जो नर्व सप्लाई आ रही है वो ब्लॉक होगा तो यूरिनरी ब्लेडर को नर्व सप्लाई नहीं होगा। जब यूरिनरी ब्लेडर को नर्व सप्लाई होगा तो यूरिनरी ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो यूरिनरी ब्लेडर क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंडेड हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं,
यदि पेशेंट का सैक्रम इन्वॉल्व है तो सैक्रम से डाउन स्पाइनल कॉर्ड के नर्व सप्लाई नहीं होने की वजह से यूरिनरी ब्लेडर की नर्व सप्लाई स्टॉप हो जाएगी और यूरिनरी ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होने से यूरिन कलेक्ट होगा और यूरिनरी ब्लेडर क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंडेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिस्टेंडेड हो जाएगा. ओके फाइन. इसके अलावा बोन इंफेक्शन हो सकता है क्योंकि बोन का इन्वॉल्वमेंट होगा. सेप्सिस का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. किसी भी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होता है उसको हम सेप्सिस बोलते हैं और अब्सेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एसेप्सिस बोलते हैं. देन गैंग्रीन. देखिए गैंग्रीन में मैंने आपको बताया था ड्राई गैंग्रीन होता है, वेट गैंग्रीन होता है, गैस गैंग्रीन होता है. और यहां पर गैंग्रीन जो होगा ज्यादातर वेट गैंग्रीन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. वेट गैंग्रीन डेवलप हो सकता है. दिस इज ऑल्सो कमिंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. तो ये जो जर्नी थी आज की कोशिश की, ये कंप्लीट टॉपिक को डिटेल में कैसे पढ़ाया जाता है टीम JINC के द्वारा, उस टॉपिक पे बनने वाले सारे कंटेंट को किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए ताकि कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में आए उससे पहले आप पढ़ चुके हो. ये JINC के कंप्लीट कोर्स के फंडामेंटल के टॉपिक की क्लास थी बच्चों. इस तरीके से आपको कंप्लीट कोर्स में क्लासेस मिलती है, हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाता है, जितने भी क्वेश्चन वहां पर बनते हैं साथ साथ में आपको बताए जाते हैं. और इसके बाद अभी ये टॉपिक यदि आपने फिनिश कर लिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप किसी भी बुक में जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे 100% आप आंसर दे पाओगे, इतना मुझे आप पे भरोसा है. आई हैव ट्रस्ट ऑन यू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. तो इसके साथ JINC का जो बुक है, बुकलेट है, जो JINC के नोट्स है, इस तरीके की 5 बुक्स है, प्राइस 1599 है. सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, बेसिक एनक्लेक्स पैटर्न में नोट्स है. बुक को परचेज करने के लिए JINC की वेबसाइट पे आपको जाना है, www.jinc-jodhpur.com पे जाकर के इस बुक को परचेज करके आप पोस्टल ऑर्डर के द्वारा अपने घर पे मंगा सकते हो, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो. तो अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश की कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनने वाले सारे क्वेश्चन में थ्योरेटिकल और एमसीक्यू पोर्शन, इमेज बेस सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आप कहें कि इस टॉपिक से बाहर यदि कोई क्वेश्चन आएगा मैं तो भी सॉल्व कर सकता हूं. अपना ख्याल रखिएगा, मां बाप का आशीर्वाद लेते रहिएगा, 2 गज की दूरी जरूर बना के रखिएगा, अपना प्यार सम्मान भरोसा JINC पे हमेशा ऐसे ही बना के रखिएगा. हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो 4 बजे का टाइम जो आपकी लाइफ में आपने ऐड किया है उसको कंसिस्टेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि डेली 50 MCQ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लर्न करें सोने से पहले. हमें ESIC को फतेह करना है, हमें NORSET 2021 को फतेह करना है. उसके लिए जी जान से आपकी JINC टीम और आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं और अपनी JINC को जितना हो सके पेंडेमिक बनाए एक्सप्लोर करें, उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचाए कि यस, नॉक नॉक करके बोलिएगा JINC डोर पे पहुंच चुका है, उठें, जगे, तैयारी करें, अब आपका सपना JINC का सपना बन चुका है. तो जिंदगी में खुश रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ. तब तक के लिए मां बाप के आशीर्वाद और बड़ों के रेस्पेक्ट के साथ अपना ख्याल रखिएगा. जय हिंद, जय भारत.